अस्सलाम वालेकुम। आज मुमताज़ रेसिपी में मैं आपको मटन सीख बनाना बता रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको चिकन सीख बनाना बताई थी, आज मैं आपको मटन सीख बनाना बता रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है, और ये तमाम सामान हमारे घर में तो मौजूद होता है। और बकरीद के मौके पर पपैया तो हम कच्चा ला कर रखते ही है घर में। इसके लिए मैंने ली हूँ आधा किलो मशीन का कीमा, और ये कीमा मैंने अच्छा चिकना लिया। आप देख सकते हैं ये 500 ग्राम कीमा है, जिसमें मैंने 200 ग्राम के करीब चर्बी ली हूँ, 300 ग्राम मटन है। कीमा, हसबे जायका, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने एक चम्मच भर के ली हूँ, ये देखिए एक चम्मच है। और ये गेहूँ का आटा है, अपने बेसन नहीं मिलाना है, गेहूं का आटा 1/4 कप है, आप देख सकते हैं। बारीक कटी हुई कोथमीर है, पुदीना मैंने अभी नहीं काटी क्योंकि पुदीना पहले से काट दो तो काले पड़ जाते हैं। आधा चम्मच के करीब मैंने अजवाइन ली, आप देख सकते हैं। चाट मसाला आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर है आधा चम्मच, और आधा चम्मच है जीरा पाउडर। और ये 10 से 15 हरी मिर्च है, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा ले सकते हैं, कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा एक फार्म जो होता है, मैंने थोड़े से ये पपैया कट करके ली, आप देख सकते हैं। प्याज है, 2 मीडियम प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप की हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने ये आपको स्टिक बनाना बताई थी, चिकन सीख बनाए थे उस वक्त बनाना बताई थी। अभी मैं ये हरी मिर्च और पपैया दोनों को मैं बिना पानी डाले जाड़ा मोटा दरदरा पीस कर लेती हूँ। ये देखो इस तरीके से आपने जाड़ा मोटा पीस कर ले लेना है। अभी हम इसमें एक एक करके तमाम मसाले मिक्स करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हरी मिर्च और पपैया जो हमने जाड़ा मोटा पीसे हैं, उसमें हम एक एक करके तमाम मसाले मिला देंगे। चाट मसाला, गरम मसाला और जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई कोथमीर, पुदीने के पत्ते आपने इस तरीके से थोड़ा सा हाथ से करके डाल दें। आटा, अजवाइन आप हाथ में लेकर इस तरीके से इसको थोड़ा सा मसल दें और फिर वो डाल दें इसके अंदर। नमक, नमक आप अपने जायके के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। और ये बारीक कटी हुई प्याज आपने इसका पानी इस तरीके से दबा के निकाल दें, आप देख सकते हैं इसका पानी इस तरीके से दबा के निकाल दें, वरना वो हमारी सीख को तलने के टाइम पर टूट जाएगी। प्याज का पानी नहीं होना चाहिए, किसी भी मसाले का पानी इसमें नहीं चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आपने देखे, मैंने उसका पूरा पानी एकदम निकाल के अच्छे से उसको डाल दी थी। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये बारीक पीस। अगर आपके पास में ऐसा मिक्सर नहीं है कोई बात नहीं, आप जो नॉर्मल मिक्सर अपने पास होता है उसमें थोड़ा थोड़ा डालकर उसको पीस सकते हैं। ये देखिए मैंने कीमा अच्छे से पीस कर इसमें निकाल दिया। अभी हम तेल का हाथ या फिर पानी का हाथ, ये देखिए इस तरीके से सब सीख पर लगा देना है, ताकि हम जब ये निकाले तो वो आसानी से निकल जाए। इस सबको अच्छे से हमने तेल का हाथ लगा लेंगे। अभी हमने इस तरीके से एक गोला मुट्ठी भर के लिए
और लेने के बाद में इसको इस तरीके जिस तरीके से सीख वाले लगाते हैं ना सेम उसी तरीके से। देख कहीं पर कम और ज्यादा ना करें आप, इक्वल रखें तो वो बराबर होएगा। एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम होने से क्या होता है, फिर वो सीख से गिर जाता है। मैंने ग्लोव्स इसलिए नहीं पहनी कि ग्लोव्स की वजह से वो बराबर में बना नहीं सकूंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से आप बनाकर प्लेट में रखते जाए। एक और मैं आपको करके बता देती हूँ। और अभी मैंने नमक भी चक्कर देखी थी, नमक वगैरह सब इसमें बराबर है। इस तरीके से आप लेकर उसको बराबर से बना ले। ये फ्राई पैन में तेल अच्छा गरम हो गया, और तेल हमने ज्यादा नहीं लेना है, तेल बहुत कम लेना है। पहली बात तो ये कि हमारा फ्राई पैन जो है तो नॉन स्टिक है। अगर आप तवे पर बना रहे हैं, वो आयरन का होता है, उसमें आप डालोगे तो भी तेल कम ही डालना है आपने। ये देखिए तेल मैंने कितना कम ली हूँ, बस इतना ही डालना है। ये हमारी तमाम सीख तैयार है। ये देखिए आप, अब इसको एक एक करके हमने इसमें डालना है। एकदम से ज्यादा नहीं डाल देना वरना ये टूट जाएंगे। चार डाल दी मैंने, अब तो धीरे से आपने इसको आगे पीछे करके हिला, उससे जो है तो सीख हमारी बराबर गोल बनेगी। बस इस तरीके से धीरे धीरे आपने आगे पीछे कर। इस तरीके से आपने बराबर से आगे पीछे कर दो, उससे सीख बिल्कुल सही गोल बनेगी। ये देखें हमारी सब सीख तैयार हो गई है। अभी मैंने इसको कोयले का धुआं दे रही हूँ, कोयला जला दिए। अभी इसके ऊपर हमने घी डाल देंगे और इसे ढक्कन से ढक दें। बिल्कुल बारबेक्यू का धुआं हो गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। एक सीख मैं आपको निकाल कर भी बताती हूँ, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये देखें, बस इतना ख्याल रखें कि आप ना ऐसा बनाने के बाद में इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा दें, उससे क्या होगा आपको सीख निकालने में आसानी होगी। एक बात और, एक टिप अच्छी से आपको मैं ये भी देती हूँ कि पहले आप जिस तरीके से मैंने बताई हूँ आपको, उतना ही सब मसाला बनाकर एक सीख को धीमी आंच पे तवे पर आप पहले या नॉन स्टिक पैन में आप करके देखोगे। अगर आपको लग रहा है कि ये टूट रही है, कभी कभार ऐसा होता है हम सामान लेते तो कम ज़्यादा हो जाता है, तो आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा एक चम्मच आटा और आप डाल दें, उससे आपकी सीख नहीं टूटेगी। ये तमाम सीख आप इसी तरीके से संभाल के निकाल सकते हैं। ये देखिए, आप भी इसे बनाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मटन सीख तैयार है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। मैंने एक अभी चक्कर भी देखी हूँ, बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और मुझे बताएं। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर मुझे लिखकर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।